हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट ब्लूम्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्लचेस या पर्स होते हैं जो पड़े पड़े ही ख़राब हो जाते हैं और उन्हें हम फेंकना भी नहीं चाहते। जैसे कि मेरे पास ये दो क्लचेस हैं, इनमें से ये वाला तो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, बट ये साइड से ख़राब हो गया है। और दूसरा क्लच बिल्कुल नया था, लेकिन यूं ही पड़े पड़े ही इसका आउटर पार्ट पील हो गया। बट ये अंदर से बिल्कुल ठीक था, और बिकॉज़ ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था तो मैं इसे डिस्कार्ड भी नहीं करना चाहती थी। तो आज मैं इन्हीं दो क्लचेस का मेकओवर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसके आउटर स्किन को पील करके निकाल दिया है। ये वाला ईजीली पील हो रहा था और इसमें बहुत मज़ा भी आया। तो मैंने सभी तरफ से इसकी आउटर स्किन को निकाल दिया है और अब मैं दूसरे क्लच की भी स्किन को रिमूव कर दूंगी। ये वाला इजीली रिमूव नहीं हो रहा था, तो मैंने सैंड पेपर लिया और जितना भी रिमूव हो सकता था उतना कर दिया। तो पहले फर्स्ट क्लच का मेकओवर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके बेस को अच्छे से प्राइम कर दिया है, जिसके लिए मैंने यहाँ जैसो का यूज़ किया है। जैसो अप्लाई करने के बाद इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और फिर हम यूज़ करेंगे ये डेकोपाज नैपकिन। पहले मैंने नैपकिन को सेट करके देख लिया कि मुझे कौन सा पार्ट और कितना पार्ट चाहिए। नैपकिन को मैंने कट कर लिया और इसके लेयर्स को भी रिमूव कर लिया। अब हमें डेकोपाज ग्लू लगा के टिश्यू को आराम से स्टिक करना है। जो ब्रांड लोगो वाला पार्ट था, वहाँ ब्रश से हल्का सा वाटर अप्लाई करके टिश्यू को रिमूव कर लिया। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्लू को हमने एक साथ पूरे एरिया पे नहीं लगाना है, बल्कि बैचेस में अप्लाई करना है और टिश्यू को बहुत ही जेंटली प्रेस करना है। जो भी रिंकल्स आएंगे, उन्हें हम ऐसे किसी पॉलीबैग की हेल्प से धीरे धीरे से रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने पूरे क्लच को कवर कर लिया है।
दोनों क्लचेस का मैं डिफरेंट मेथड से मेकओवर करूँगी, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब एक्स्ट्रा टिश्यू को मैंने ब्रश से वाटर अप्लाई करके रिमूव कर लिया है और साइड से भी इन्हें पेस्ट कर लेंगे। इनकेस कोई भी पार्ट रह जाता है तो आप टिश्यू का कोई छोटा सा पीस लगा के उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसे और ब्यूटीफाई करने के लिए थोड़ी सी स्टैम्पिंग भी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है स्क्रिप्ट स्टैम्प एंड आर्काइवल इंक पैड और रैंडमली स्टैम्पिंग कर दी है। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। सब ड्राई हो जाने के बाद डेको ग्लू की एक लेयर अप्लाई कर देनी है और ग्लू ड्राई होने के बाद वार्निश के दो या तीन कोट भी दे देने हैं। इससे ये क्लच लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो देखा ना ये कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लच का मेकओवर करते हैं। तो इस पे भी मैंने जैसो से एक बेस कोट दे दिया है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस क्लच का कुछ डिफरेंट तरीके से मेकओवर होगा, तो मैं इस पे करूँगी फैब्रिक डेकोपाज। इसके लिए मैंने अपनी एक कुर्ती ली है जो कि फट गई थी और उस कुर्ती में से कुछ फैब्रिक कट कर लिया है। अब लिटिल वर्डी की फैब्रिक डेकोपाज ग्लू से इसे स्टिक करूँगी। फैब्रिक डेकोपाज करने का एक मज़ा है कि आपको फैब्रिक पेस्ट करते हुए डरना नहीं पड़ता। आप इसे अच्छे से खींच के भी लगा सकते हैं। टिश्यू की तरह फटने का डर नहीं है और रिंकल्स भी ना के बराबर ही आते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो जहाँ पे बटन है वहाँ मैंने होल देके फैब्रिक को स्टिक कर दिया है और साइड्स में भी फैब्रिक को पेस्ट कर देना है। इसे अच्छे से ड्राई होने के बाद
फैब्रिक ग्लू की टॉप लेयर लगा देनी है। ग्लू ड्राई होने के बाद ये आपको थोड़ा स्टिकी सा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप वार्निश अप्लाई करोगे सारी स्टिकीनेस चली जाएगी। तो इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है और ये क्लच भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इन क्लचेस को देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने इनका मेकओवर खुद किया है। तो आप भी अपने बेकार पड़े हुए क्लचेस को या वॉलेट्स को ऐसे ही मेकओवर देकर नया बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा तो यूज़फुल लगा होगा। इफ़ येस, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आपको इन दोनों क्लचेस में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी ही मिलूँगी एक और नए ऑसम से DIY के साथ। टिल देन कीप क्राफ्टिंग एंड कीप ब्लूमिंग।